दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलना तो हम सभी को पसंद है, चाहे वो मोबाइल पर हो या फिर पीसी में। आपने तरह तरह के गेम्स तो खेले ही होंगे, जिनमें से कुछ गेम्स आपके फेवरेट जरूर रहे होंगे। ये सारे गेम्स एक विशेष पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं, यही इन्हें बाकी गेम्स से अलग करती हैं और एक नए लेवल पर पहुंचा देती हैं। आपने जितने भी गेम्स खेले होंगे उनमें ज़्यादातर विदेशी पृष्ठभूमि ही देखने को मिली होगी। पर क्या आपको पता है कि ऐसे भी गेम्स डेवलप किए गए हैं जो भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित हैं? तो चलिए जानते हैं इन गेम्स के बारे में। नंबर 1, अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी। ये गेम भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है, यही वजह है कि इस गेम में आपको भारतीय देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाएंगे और इस गेम की पृष्ठभूमि भी भारत ही है। ये गेम रिलीज हुई थी 22 अगस्त 2017 को। इस गेम को डेवलप किया है नॉटी डॉग ने और इसे पब्लिश किया था सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने। इस गेम में आपको दो किरदार नज़र आते हैं, जिसमें चलोए फ्रेजर का किरदार क्लाउडिया ब्लैक ने निभाया है, वहीं नदीने रोज का किरदार लॉरा बेले ने निभाया है। ये दोनों किरदार गेम में आगे बढ़ते हैं और सभी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस गेम में आपको ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है। ये गेम PS4 पर अवेलेबल है। नंबर 2, हिटमैन 2 साइलेंट असैसिन टेंपल सिटी ऑफ अम्बुश। ये गेम एक एजेंट की कहानी है, तो जाहिर सी बात है कि इस गेम में आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। वहीं सबसे मज़े वाली बात यह है कि इसमें कैरेक्टर हिंदी में भी बात करते नज़र आते हैं। ये गेम रिलीज हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को। इस गेम को डेवलप किया है 10 इंटरैक्टिव ने और इसे पब्लिश किया था ईएडोस इंटरैक्टिव ने। इस गेम की कहानी कुछ इस तरह है कि ये कहानी एक एजेंट की है जिसका कोड नेम है 47। उसे इंडिया में एक मिशन पर भेजा जाता है और वो अपने मिशन को पूरा करने भारत आता है। ये गेम अपने वक्त की काफ़ी सफल गेम थी। 23 अप्रैल 2009 तक इसकी 3.7 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बेची गई थी। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स और गेम क्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 3, असैसिन्स क्रीड क्रॉनिकल्स इंडिया। ये गेम चाइना में रिलीज़ हुई थी 21 अप्रैल 2015 को, वही इंडिया में रिलीज़ हुई थी 12 जनवरी 2016 को। इस गेम को डेवलप किया है क्लाइमेक्स स्टूडियोज़ ने और इसे पब्लिश किया था यूबी सॉफ्ट ने। तो फाइनली असैसिन्स ने इंडिया में दस्तक दे दी है। इस गेम के मेन कैरेक्टर का नाम अरबाज मीर है, जो गेम में आपको गुलाटियां मारता हुआ नज़र आता है। ये गेम भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है, वो भी अमृतसर पंजाब में। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें कैरेक्टर पंजाबी और हिंदी में बोलते नजर आते हैं। चेता है, पहली बारी तू उन्हां दे हाथ चढ़न लग गया सी। तेज आम है, फड़ नहीं सकते मैनू, मैं कातिला नू भी सिखा सकता। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4, प्लेस्टेशन विस्टा, एक्सबॉक्स 1 प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 4, गेट वाटर। ये गेम रिलीज हुई थी 22 मार्च 2013 को iOS के लिए और 22 मार्च 2014 को एंड्रॉयड के लिए। इस गेम को डेवलप किया है डिकोड ग्लोबल स्टूडियो ने। ये गेम पानी की समस्या पर आधारित है। इस गेम की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस गेम में एक लड़की है जिसका नाम माया है। उसे स्कूल जाना और नई चीज़ें सीखने का शौक होता है, लेकिन एक दिन उसके गांव का पंप टूट जाता है और वह पानी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती है, जिसमें उसकी माँ और गांव वाले उसका साथ देते हैं। ये गेम iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 5,
टॉम राइडर 3 एडवेंचर्स ऑफ लारा क्रॉफ्ट। ये गेम 5 लोकेशन पर बेस्ड है, इंडिया, साउथ पैसिफिक, लंदन, नेवेडा और अंटार्कटिका। ये गेम रिलीज हुई थी 20 नवंबर 1998 को और इस गेम को डेवलप किया है कोड डिज़ाइन ने और इसे पब्लिश किया था ईएडोस इंटरैक्टिव ने। इस गेम की शुरुआत होती है एक जंगल से जो कि भारत में स्थित है। यहीं से इसके मेन कैरेक्टर लारा क्रॉफ्ट की जर्नी भी शुरू होती है। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्ले स्टेशन और मैक ओएस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 6, अनरेस्ट। ये गेम रिलीज हुई थी 23 जुलाई 2014 को। इस गेम को डेवलप किया है पायरोडक्टाइल गेम्स ने। इस गेम को पब्लिश किया था किस लिमिटेड ने। ये गेम भी भारत के गांव पर आधारित है। ये गेम प्राचीन भारत में होने वाली सामाजिक उथल पुथल पर आधारित है। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ओएस एक्स, लिनक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 7, एक्सिस एंड अलाइस इन्वेशन ऑफ इंडिया। ये गेम रिलीज हुई थी 2 नवंबर 2004 को। इस गेम को डेवलप किया है टाइम गेट स्टूडियोज ने। इस गेम को पब्लिश किया था अटोरी आईएनसी और इनकोर आईएनसी ने। ये गेम द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी को दर्शाता है, यानी कि साल 1941 से 1945 के बीच, जब देश दूसरे देशों से लड़ाई कर रहे होते हैं। इसमें भारत की सीमा पर भी लड़ाई होती है, जहां अन्य देश के सैनिक भारत की सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और बॉर्डर पर लड़ाई होती है। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अगर आपको जानने को मिला कुछ नया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नॉलेज ज्ञान टीवी।